हेलो, वेलकम बैक सर। टी जो हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन है, इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो है एचआरसी फ्यूज। ओके, एचआरसी फ्यूज के हमने पूरे कंस्ट्रक्शन देखे, क्या है उनको भी देखा। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो चलिए सर, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं ये है क्या। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी और पिक्चर भी सही दिख रहा होगा। ओके, नाउ सो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट अबाउट एचआरसी फ्यूज। ओके, नाउ सर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एचआरसी फ्यूज, जैसा कि आपने इसके कंस्ट्रक्शन को देखा, अब इसके वर्किंग आई होप बहुत हद तक आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, ओके सर, पहले मैं इसको आपको बता भी दूं। सर, नॉर्मल कंडीशन में ये फ्यूज हो या कोई भी फ्यूज अपने रेटेड करंट को आराम से गुजार देता है, लेकिन जब कोई फॉल्ट आता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट करंट या ओवरलोड कंडीशन, जिसमें करंट एक लिमिट से ज़्यादा डिमांड करता है, तो ऐसे कंडीशन में मशीन सर्किट के अंदर जो होते हैं फॉल्ट, ये जो आपका फ्यूज होता है उसके अंदर एक ब्रेक्स होते हैं, यानी वो गैप क्रिएट करता है, मतलब कि सर्किट को इंटरप्ट करने का काम करता है। ओके, इसमें भी दो हिस्सा होते हैं, इस सर्किट ये जो देख रहे हो आप, इस फ्यूज में दो हिस्सा होता है, एक एलॉय टिन का, चूंकि फ्यूज वायर इतना बड़ा साइज का होता है, ये पूरा फ्यूज वायर सर है, आइए देखता हूँ, ये पूरा एक फ्यूज वायर है, लेकिन इसमें भी कुछ टिन के अलॉय सेक्शन है जो अगर ओवरहीटिंग बहुत देर दे रहा तो वो मेल्ट कर जाएगा। अगर आपके और भी कुछ हीटेड या फॉल्ट हो गए या शॉर्ट सर्किट हैवी हो गया, तो ये कंप्लीट सेक्शन मेल्ट करना है, कंप्लीट सेक्शन मेल्ट कर जाता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में क्या क्या लैंग्वेज में उन चीजों को मैं डिस्कस करता हूँ। अंडर नॉर्मल कंडीशन द करेंट डज नॉट जनरेट इनफ हीट टू डिजॉल्व इट। सर, नॉर्मल कंडीशन में कहता है कि फ्यूज के अंदर जो होते हैं, ध्यान से समझिए, ये इतना हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकता कि वो उसको डिजॉल्व कर दे, यानी खत्म कर दे। आई स्क्वायर आर इंटू टी, आइए, नॉर्मल कंडीशन में करंट क्या होता है, रेटेड होता है, क्या होता है सर, रेटेड होता है। सो ये हीट इतना डेवलप नहीं करता कि इसको डिजॉल्व कर दे, खत्म कर दे, समाप्त कर दे। ओके, लेकिन चलिए, इफ मोर करंट पासिस थ्रू देन, अगर ज्यादा करंट इससे पास करने लगे, तब देन, ओके देन, तब इट्स लिमिट द फॉल्ट करंट, इट्स लिमिट द फॉल्ट करेंट मेल्ट द एलिमेंट ऑफ द फ्यूज। ये क्या करेगा, अगर एक लिमिट से ज्यादा इसका करेंट बाईपास करेगा तो उसको मेल्ट कर देगा। ओके, एंड क्या कह रहा है, बिफोर इट रीचेज इट्स क्लाइमेक्स, इससे पहले जो ये रीच करेगा, यानी मेल्ट करने से पहले ये अपने उत्कर्ष पॉइंट, मतलब पीक पॉइंट पे चला जाएगा। मेरे क्लाइमेक्स का मतलब होता है सर, क्लाइमेक्स का मतलब होता है उत्कर्ष या अपने पीक वैल्यू पे, है ना, अपने हाई वैल्यू पे पहुंच जाता है मेल्ट करने से पहले। सो ये क्लाइमेक्स तैयार कर लेता है। सो क्या कहा, अगर इफ मोर करंट पासेस देन, अगर ज्यादा इस सर्किट से करंट पास करेगा, देन इट्स लिमिट द फॉल्ट करंट मेल्ट, द फॉल्ट करंट मेल्ट ऑफ द एलिमेंट, इससे लिमिट से क्या होता है, फॉल्ट करंट मेल्ट कर देता है उस फ्यूज को, ऑफ द फ्यूज, बिफोर, जबकि बिफोर इट रीचेज इट्स क्लाइमेक्स, ये अपने उत्कर्ष वैल्यू, फाइनल वैल्यू पे पहुंचता है, मतलब मेल्ट एकाएक नहीं करेगा सर, हीट बढ़ा हुआ, एक टाइम तक हीट इतना बढ़ जाएगा वो ऑटोमेटिक मेल्ट कर देगा। सो उसी को बोलते हैं क्लाइमेक्स। ओके, नाउ व्हेन द फ्यूज इज एन ओवरलोड कंडीशन, अगर आपका फ्यूज ओवरलोड कंडीशन, सर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों अलग अलग होता है, मतलब समझिए, ओवरलोड होता है कि अगर आपके घर में 100 एम्पीयर करंट का डिमांड है, किसी इंडस्ट्री में 100 एम्पीयर का डिमांड है, ओवरलोड होने का मतलब हो गया कि वो 110 डिमांड कर रहा है, 110 वो लगातार लेने लगा। ओके, और शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब होता है कि कोई फॉल्ट ऐसा आया कि जो 100 एम्पीयर करंट की रेटेड उस फ्यूज से जाने वाला करंट था, तुरंत 1000 एम्पीयर या 5000 एम्पीयर करंट गुजरने लगेगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, शॉर्ट होने से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, लेकिन ओवरलोड होने से बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, एक रेटेड से हो सकता है 100 से 110, 112, 115, 105, इसको ओवरलोड कंडीशन करंट बोलते हैं। ओके, क्या बोला, व्हेन द फ्यूज इज एन ओवरलोड कंडीशन द फ्यूज
इनग्रेडियंट डज नॉट मेल्ट, क्या कहता है? देखो, अगर किसी फ्यूज से क्या करता, ओवरलोड कंडीशन होता है, देन इंग्रेडिएंट डज नॉट मेल्ट, मतलब फ्यूज से रिलेटेड जो सामग्री है वो नहीं मेल्ट करता। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है, मैं हिंदी भी लिख देता हूं, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सामग्री। आपको ये कौन सी सामग्री है सर, चीनी चावल तो नहीं है ना? सामग्री कहने का मतलब है इससे जो फ्यूज से रिलेटेड जितने कंपोनेंट्स हैं, सामग्री है, फ्यूज वायर है, फ्यूज के एलिमेंट्स हैं, टीन है, सारी चीज, वो क्या कहता है, व्हेन द फ्यूज ऑफ एन ओवरलोड कंडीशन, अगर फ्यूज इज एन, अगर कोई फ्यूज है उसमें ओवरलोड कंडीशन आ गया, मतलब कि 100 एम्पीयर का डिमांड था, 100 तक उसकी रेटिंग चल रही थी, 110 अगर हो गया तो क्या कर, ओवरलोड कंडीशन हो गया, द फ्यूज इंग्रेडिएंट डज नॉट मेल्ट। सो फ्यूज ऐसे कंडीशन में क्या करता है, मेल्ट नहीं करता, लेकिन लेकिन क्या करता है सर, उसको समझिए, मतलब सडन ये मेल्ट नहीं कर रहा, ओके, लेकिन बट इफ सच ए कंडीशन लेस्ट्स, ओके, लेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, देन अ मटेरियल लाइक एरेक्टिक विल मेल्ट एंड ब्रेक द फ्यूज एलिमेंट। कहता है कि अगर कोई सर्किट है, ओके, इससे सर्किट कंप्लीट है फ्यूज वायर से, अगर उसमें ओवरलोड का कंडीशन आता है तो फ्यूज आपका या फ्यूज से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है हमारे, वो मेल्ट नहीं करते हैं, वो नहीं पिघलता, ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये ओवरलोड का कंडीशन लेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लेस्ट मतलब होता है सर रहता है, मतलब अगर ओवरलोड का कंडीशन लेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक रहता है, ओवरलोड का कंडीशन क्या होता है, बहुत देर तक रह जाए, तो मतलब क्या हुआ, 110 लगातार डिमांड कर रहा है तो हीट होता जाएगा ना, पहले 100 एम्पीयर करस्पॉन्डिंग हीट देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में होता ही है, आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, सो करंट 100 के रिस्पेक्ट में हीट जो देखो, और फिर कभी 110 लगातार बहुत देर तक होगा, सो ये हीट टाइम के रिस्पेक्ट में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना। सो ऐसे कंडीशन में क्या करा, अगर आपका ओवरलोड कंडीशन, मतलब 110 के जगह पे 110 करंट अगर ले रहा है, तो ओवरलोड का कंडीशन अगर लंबे समय तक रहता है, देन मटेरियल लाइक्स यूटेक्टिक, यूटेक्टिक मतलब क्या होता है सर, हमने बोला पिघलने वाला एलिमेंट, गलने वाला एलिमेंट, विल मेल्ट, तो इस सर्किट में जो गलने वाला एलिमेंट होता है वो मेल्ट कर जाता, और सबसे पहले कौन मेल्ट करेगा सर, टीन वाला, कौन सा, टीन एलॉय। सो ये जो है, ये जो देखिए ना, यहाँ पे बीच में ये भी कंडक्शन में है, टीन, इसके अंदर टीन है, वही मेल्ट कर गया, देखो स्पेस में ना गैप बना दिया ना, गैप बना दिख रहा होगा, गैप उसको बड़े वर्जन में यहाँ दिखा गया, विल मेल्ट एंड ब्रेक द फ्यूज एलिमेंट, और फ्यूज एलिमेंट को क्या करता है, ब्रेक कर देता, आपका कनेक्शन ब्रेक कर गया, क्लियर। सो ओवरलोड कंडीशन एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, ओवरलोड कंडीशन में एक लिमिट से ज़्यादा ही थोड़ा करंट बहने लगता है उससे, तो उसको ओवरलोड कहेंगे, और शॉर्ट सर्किट करंट में होता है सडन बहुत ज़्यादा मात्रा में, 10 गुना 20 गुना 50 गुना करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है अपने रेटेड करंट से। द थिनर पार्ट्स ऑफ द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट फास्टर, सर ये जो पतले एलिमेंट जिसको आपने बोला ना टीन एलॉय के होते हैं, ये सबसे पहले और बहुत फास्टली, सबसे पहले और बहुत फास्टली मेल्ट करते हैं, इन ए स्मॉलर एरिया द थिन पार्ट ऑफ द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट फास्टर, बहुत फास्ट मेल्ट करता है इन ए स्मॉलर एरिया व्हेन द फ्यूज इज इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, सर अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगा तो फटाक से, शॉर्ट सर्किट अगर कंडीशन होगा तो सबसे पहले यही थिन वाला एरिया ब्रेक करता है, उसके बाद धीरे धीरे, चूंकि फ्यूज वायर पूरा है, पूरा ब्रेक करना है, सो सबसे पहले इंस्टेंट अगर ब्रेक करता है तो छोटा हिस्सा वही टीन एलॉय वाला फटाक से ब्रेक करता है, एंड इट विल ब्रेक बिफोर द एरोटिक मटेरियल्स, मतलब यूटेक्टिक मटेरियल से पहले ये ब्रेक करता, मतलब इसमें दो कंपोनेंट है सर, एक बार इसको अच्छे से अगर समझ लिया जाए तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक है ये जल्दी पिघल जाने वाला है ना, एक पिघल जाने वाला को क्या बोल रहे हैं अपन, देखिए यूटेक्टिक मटेरियल,
यूटेक्टिक मटेरियल जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये यूटेक्टिक मटेरियल है जो पिघलता है, और उससे एक और इसमें है कौन सा, एल्युमिनियम एलॉय, वो और जल्दी पिघल जाता है सर, वो और जल्दी पिघल जाता है। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार आप लोग नोट डाउन करेंगे सर, एक बार इसको नोट डाउन अपलोड करेंगे। ओके चलिए चलिए, मैं यहाँ बात कर लूँ अब, एंड इट विल ब्रेक बिफोर दी इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ओके, एच आर सी देयरफोर हैज रीजन टू प्रोवाइड लिमिटेशंस विद इन द एलिमेंट ऑफ द फ्यूज। इसीलिए एच आर सी क्या बोला गया, इसीलिए एच आर सी हैज रीजन, जो एक कॉज है, टू प्रोवाइड द लिमिटेशन विद इन द एलिमेंट ऑफ द फ्यूज। एक लिमिटेशन प्रोवाइड करता है कि किस कंडीशन में आपको पहले कौन सा फॉल्ट करना है, कौन सा ऑपरेट करना है, उसके बाद पूरे सिस्टम को आप मेल्ट करा दीजिए और सर्किट को ब्रेक कराइए। सो बहुत कम टाइम में रिस्पॉन्ड करता है, कौन सा सर, बहुत कम टाइम में, ये वाला एलॉय, टीन का एलॉय इसके अंदर, उसके बाद पूरा जो कहते हो वो क्या होता है, यूटेक्टिक मटेरियल्स। यूटेक्टिक मटेरियल वैसा होता है जो गलनांक क्रांति होती है, इसको एग्जैक्ट में हिंदी कहे तो गलनांक क्रांति होता है, जो बहुत जल्दी फास्ट गलता है। ओके, लेकिन उससे पहले टीन वाला मेल्ट करेगा। ओके, तो आई होप इसके बारे में सर आपने देखा और समझा, ये इस तरीके से काम करता है। नाउ इसके एडवांटेज क्या है सर, इसके एडवांटेज क्या है, अब इसकी चर्चा एक बार हो जाए सर, इसकी एडवांटेज क्या है, एक सेकेंड। चलिए, आई होप चल रहा है ना, नहीं तो कई बार परेशान कर देता है। बिल्कुल चल रहा है, आइए सर, इसके एडवांटेज क्या है सर, ये चीपर कंपेयर टू अदर फ्यूज, ये सस्ता भी होता है, ये क्या होता है, सस्ता होता है। द डिजाइन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, इसकी डिजाइन जो होती है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी जो डिजाइन होती है सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अलग है। ओके, आपको गैप कर देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एडवांटेज है। मेंटेनेंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई मेंटेनेंस की अलग से जरूरत नहीं होती, इजी वर्किंग, काम आसानी से करता है। दिस प्रोग्राम इज ऑन गोइंग, यह प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, चलते रहता है। हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी सर, ये बहुत जल्दी ब्रेक करता है, तो कैपेसिटी इसकी बहुत फास्ट होती है। द इन टाइम कैरेक्टरिस्टिक इज परफेक्ट फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, द इन टाइम कैरेक्टरिस्टिक, इसका इन टाइम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो परफेक्ट है फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, अभी कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ूंगा तो इन टाइम आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाएगा। नाउ सर, इसके कुछ ड्रॉबैक भी होंगे, तो डिसएडवांटेज भी है, हर इंस्ट्रूमेंट का अगर एडवांटेज होता है तो ड्रॉबैक भी होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं एक डिवाइस है। सो डिसएडवांटेज ऑफ एच आर सी फ्यूज आर फॉलोज, दिस कैन नॉट बी reused once excited, अगर ये excite हो गया, एक बार damage हो गया सर, तो इसको दोबारा आप use नहीं कर सकते। okay, इस type device की, इस type के device की भी एक ये आपके तरीके हैं। now दूसरा, it cause overheating for close contacts, यह cause इसका कारण होता है overheating फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगे सर, इसके कारण जो होते हैं हीटिंग होता है। मान लो ये फ्यूज जहाँ लगा हुआ है और उसके आसपास और भी कोई डिवाइस या कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो इसका एक कारण है कि वो ओवर हीटिंग करेगा, वो क्या करेगा सर, हीटिंग करेगा। सो इट कॉज, इसके कारण होता है ओवर हीटिंग फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट, इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो भी होगा उसमें क्या करेगा, ओवर हीटिंग करेगा। नाउ आफ्टर ईच एक्शन दे विल चेंजेज, हर एक एक्शन को में के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है, आपको बदलना ही पड़ेगा सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरलॉकिंग इज हाई, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या हुआ सर, इसमें जो ना एक दूसरे के बीच क्लोज आने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इंटरलॉक कर जाना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरलॉकिंग इज हाँ, ये इंटरलॉक कर दे आपस में, बहुत क्लोज आ जाए, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि इंटरलॉकिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, द हीटिंग जनरेटेड बाय द आर्क कैन अफेक्ट द कनेक्शन स्विचेस,
सर, यानी हर मामला में यहाँ से लगातार एक ही चीज कह रहा है कि इसके आसपास जो होगा कोई डिवाइस होंगे तो उसको हिट करने काम करेगा ना, ये अगर कोई फॉल्ट हो गया तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा, एक बार एक्शन हो गया तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है इंटरलॉकिंग इज हाई, आपस में इंटरलॉक करने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है क्लोज आने की, एंड मतलब कोई भी डिवाइस है तो इंटरलॉक करेगा। नेक्स्ट, द हीट जनरेटेड बाय दी आर्क कैन अफेक्ट दी कनेक्टेड स्विच, इससे कनेक्ट कोई अगर स्विच होगा ना तो उसके हीट भी अफेक्ट करते हैं। सो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। सो एडवांटेज हालांकि बहुत ज़्यादा है इस स्विच के भी। सर अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, आइए सर, इसके बाद मैं इसके ना कैरेक्टरिस्टिक को बढ़िया से बताऊंगा जो कि टाइम वर्सेस इसके करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और इसके कौन कौन से टाइप है उनकी भी चर्चा कर लूंगा ताकि ये सेशन आपके लिए बेहतर हो जाए, इनको आप अच्छे से समझ पाओ। सो अपकमिंग वीडियो में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करूंगा, आई होप वो आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। हालांकि मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, आइए सर एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार देख ही लेता हूँ, और वीडियो बनाने से बेहतर है इसमें एक बार देख लेता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं समझिए सर। एज फ्यूज वर्क आफ्टर द एलिमेंट डिजॉल्व, एलिमेंट जब आपका क्या होता है सर, डिजॉल्व होता है मतलब समाप्त हो जाता है, तो फ्यूज आपका क्या हुआ यानी आपका काम कर गया। ड्यू टू द हीटिंग जनरेटेड, सर सब फ्यूज जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग I²R·T, ओके इसी पे काम करता है। द हीटिंग जनरेटेड बाय I²R·T कह सकते हो, इन विच RT ब्लॉक्स द फ्यूज, आप कह सकते हो रेजिस्टेंस या टाइम, ये क्या करता है इसके साथ ब्लॉक करने का काम करता है, किसको, फ्यूज को ब्लॉक करने का, यानी हीटिंग हुआ गैप हुआ रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो करंट बाईपास नहीं करेगा सो फ्यूज ब्लॉक हो जाता है। इफ करंट एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इट हीट ऑल्सो इंक्रीज, सर अगर कहता है कि इस फ्यूज से होके अगर करेंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगे सो ऐसे कंडीशन में हीट करता है, ये मेल्टिंग वाला एलिमेंट हीट करता है बहुत ज़्यादा, और हीट करेगा तो ये मेल्ट कर देगा, ये क्या करता है सर मेल्ट कर जाता है, ओके एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इट हीट ऑल्सो इंक्रीज, ओके नेक्स्ट, देयर फोर इन द स्टेट ऑफ मोर करेंट द फ्यूज मेल्ट फास्टर, अगर इसीलिए सर इसमें क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा सडन करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत तेज़ी से फास्ट करता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में बहुत तेज़ी से फास्ट करेगा। दस द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम करेंट, ये बिल्कुल इस कैरेक्टरिस्टिक में टाइम और करेंट का ही रिलेशनशिप देखना है, ऑफ द फ्यूज इज नेम्ड एज द फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखना है, जो फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके वर्सेस होगा सर, टाइम वर्सेस करंट के बीच। कैरेक्टरिस्टिक का ही मतलब ही होता है सर, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही होता है संबंध देखना, ओके। फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फ्यूज इट इज वेरी यूजफुल फॉर अ पार्टिकुलर सर्किट, देखिए क्या होता है कि अगर आपका करंट की मात्रा, ये लाइन क्या कह रहा है ये देखिए, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक मैं बताता हूँ एक बार, कह रहा है कि अगर करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहोगे और करंट की मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो ये बड़ी फास्ट ऑपरेट करता है, आई होप इस कर्व को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा करंट है ना उसका ऑपरेटिंग टाइम उतना ही कम है, T1, T2, T3, T4, मतलब कि सर ज्यादा करंट रहेगा, ज्यादा अगर इस सर्किट से होके यानी इस फ्यूज से होके ज्यादा करंट पास करेगा तो बहुत कम टाइम में ऑपरेट कर लेता है, इसका मतलब यही समझा रहा हूं। अगर सर बहुत कम करंट होगा तो उसको ऑपरेट कराने में ये टाइम लगाता है, थोड़ा डिले ऑपरेट होगा। सर इसके कर्व को मैं एक बार बढ़िया से और बता दूं तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा, इसके कर्व को मैं एक बार अच्छे से बता दूं, उस कर्व में आप लोग इस पॉइंट को रखना, एक ही बता देता हूं तो आपको एक ही कर्व से ज्यादा समझ में आएगा। सर करंट की मात्रा कह रहा है कि अगर जितना ज्यादा होगा आपके फ्यूज जो ऑपरेट होंगे बहुत कम समय में होगा,
सर अगर करंट की मात्रा कम होगी तो फ्यूज का ऑपरेशन उससे टाइम कम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर सर फ्यूज की मात्रा इतना होगी तो आपका टाइम इतना लगेगा। सर आपके फ्यूज में करंट की मात्रा और कम होगी तो ये टाइम और ज्यादा लगेगा। आपके फ्यूज में करंट की मात्रा और कम होगी तो ये और ज्यादा टाइम लगेगा। ये टाइम है वर्सेस करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके तो आई होप चीजों को समझ रहे होगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट का मात्रा ज्यादा तो टाइम कम। आप कह सकते हो करंट जो है वो यहाँ पे इन्वर्स में काम कर रहा है, डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली में भी, हमेशा इन्वर्स नहीं, मतलब कि कहीं बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत कम टाइम, अब बहुत कम रहा तो बहुत ज्यादा टाइम, है ना इस तरीके से। सो एक तरीके से कह सकते हो कि इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। टाइम कम लेगा इसका मतलब करंट बहुत ज्यादा है। टी जहां पे क्या है, फ्यूज ऑपरेटिंग टाइम, एंड ये आई क्या है, फ्यूज करंट, फ्यूज से पास करने वाला करंट है। ओके तो आई होप आप इस मामले को समझ चुके होंगे कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से अपन बताते हैं। सो इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको वहां पे लिखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ फ्यूज। ओके नाउ सर इसके एप्लीकेशंस क्या है, अबाउट इट्स एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर इसकी एप्लीकेशंस है इस टाइप के फ्यूज के बड़ा फ्रिक्वेंट। HRC फ्यूज आर यूज टू प्रोटेक्ट हाई वोल्टेज स्विचिंग गियर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। HRC फ्यूज आर यूज टू प्रोटेक्ट हाई वोल्टेज स्विच गियर, हाई वोल्टेज के जो स्विच गियर डिवाइसेस होते हैं ना उसको फ्रॉम ए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए हम HRC फ्यूज का उपयोग करते हैं। सर हाई वोल्टेज के क्या, हाई वोल्टेज स्विच गियर को बचाने के लिए, मतलब स्विच गियर प्रोटेक्शन हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो सारे डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे फॉल्ट ना करे, उससे मतलब डैमेज ना हो, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं HRC फ्यूज का उपयोग करते हैं। यूज्ड फॉर ब्रेकअप सिक्योरिटी, सर ये ब्रेकअप सिक्योरिटी के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ब्रेक ना कर जाए उस सिक्योरिटी से बचने के लिए, सॉरी बैक बोल रहा हूँ, बैकअप। बैकअप मतलब क्या होता है सर, बैकअप, ये ब्रेकअप मैंने बोला, बैकअप होता है। बैकअप मतलब सर आप बैकअप सिक्योरिटी देते हो, जैसे कि सपोज दैट समझना, यहाँ पे यहाँ कोई लोड लगा हुआ है, कोई लोड लगा हुआ और इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, कोई सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, कोई फॉल्ट अगर इसमें होता है तो ये सर्किट ब्रेकर इसको आइसोलेट कर देगा, ये डिवाइस बचा लेगा। तो बैकअप सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इस सर्किट में एक और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या HRC फ्यूज, कि अगर मान लो ये ऑपरेट नहीं किया, कोई फॉल्ट आया, किसी कारणवश ये ऑपरेट नहीं हुआ, तो ये HRC फ्यूज इसके बैकअप में लगा हुआ है कि ये काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये ऑपरेट करके इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, आपके डिवाइस को बचाने का काम करेगा। चाहे वो मान लो हेवी मोटर होगा, इससे इसको बचाने के लिए हमें सर्किट ब्रेकर लगा रखा था, कोई ये काम नहीं किया सर्किट ब्रेकर, तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं HRC फ्यूज लगा देते हैं। अब यहाँ मान लो ये लगा है, तो अब ये कभी फॉल्ट फेलवर भी हो गया तो ये ऑपरेट किया और आपको डिवाइस को बचा दिया। नाउ दिस टाइप ऑफ फ्यूज इज ऑल्सो यूज इन मोटर स्टार्टर, मोटर के स्टार्टर में ऐसा फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज ए मोटर, ये इसको जो उपयोग करते हैं सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जैसे मोटर, ट्रांसफॉर्मर, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा। ओके इन सारी चीजों पे इसके ऑपरेशन होते हैं। एक छोटा सा मैं बता दूं सर इसके टाइप्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, हालांकि इसकी जानकारी इतनी ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए, इसकी जानकारी इतनी ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी एक रफ डाटा आपके दिमाग में रहे। टाइप्स ऑफ HRC फ्यूज, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं सर, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इनकी एक बार मैं चर्चा कर दूं। चलिए सर टाइप्स में चर्चा कर लेता हूँ। सर इसके जो टाइप्स है ना ये देखिएगा,
एनएच टाइप फ्यूज होते हैं, ओके डिन टाइप फ्यूज होते हैं और ब्लेड टाइप. अभी तक मोस्टली हमने ब्लेडे वाला टाइप देखा था, ब्लेड जैसा शेप का. सो ब्लेड टाइप एचआरसी फ्यूज जो होते हैं मोस्टली थ्री टाइप्स के डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप देखोगे ब्लेड टाइप, डिन टाइप और एनएच टाइप. ओके एनएच टाइप. सो ये सारे टाइप्स होते हैं एचआरसी फ्यूज के. और आप कभी भी ये, हालांकि टाइप्स वगैरह नहीं ऐसे पूछे जाते, फिर भी ये अलग अलग तीन मेन टाइप्स है. कभी भी सर इसका कंस्ट्रक्शन और टाइप्स के तरीके से पूछ दे तो किसी एक को ये तीनों टाइप लिख देना. और ब्लेड वाला जो अभी आपको मैंने कराया था, ब्लेड वाला को पूरा एक्सप्लेन कर दो बढ़िया से, तो आप इसमें आपका इसके टाइप का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. बाकी एनएच टाइप का भी अगर आपका एचआरसी फ्यूज दिखे, तो जो वायर वाला था ना एक पतले तार वाला, उस कंप्लीट सेक्शन को अगर डील करते हो, सो दैट इज एनएच टाइप. सो इन सारी चीज़ों को आपने ओवरऑल देखा कि किस तरह से इसका टाइप है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसके एप्लीकेशन होते हैं, एडवांटेज क्या थे, ड्रॉबैक क्या है. तो दिस इज ऑल अबाउट एचआरसी फ्यूज. सर अपकमिंग वीडियोज में इससे रिलेटेड और भी जो हमारे इंटरेक्टिव डिवाइसेज हैं उनकी चर्चाएँ होने वाली. ओके बेस्ट ऑफ लक.